नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सभी क्लास। ठंड बढ़ रही है, कैसा लग रहा है? कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय तो भारत का भौतिक स्वरूप 5/11/2020 बस 2020 ही है, ज्यादा नहीं। सामाजिक विज्ञान भूगोल, हम भी गोल तुम भी गोल, पापा के पैसे गोल गोल और हम पढ़ रहे हैं भूगोल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमने वर्कशीट पढ़ी थी, ये इसमें पढ़ाया गया था भारत का भौतिक स्वरूप, कार्यपत्र 49 में पढ़े थे या 50 पढ़ेंगे, और इसमें हमने पढ़ा था टॉपिक का नाम ही नहीं, ये रहा भारतीय थार मरुस्थल, तो मरुस्थल के बारे में पढ़ा था। अब हम समुद्रीय तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले एक बार हम सपोर्ट मटेरियल देख लेते हैं। सहायक सामग्री 2020-21 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान, बेचेंगे तो तोड़े जाओगे, भूगोल। ठीक है, तो भारत का आकार स्थिति ये हम पढ़ चुके हैं। जलवायु 1770 ये भी पढ़ चुके हैं। भारतीय वनस्पति तथा वन्य जीवन ये भी पढ़ चुके हैं। और हमारा चल रहा है ये अध्याय तो भारत का भौतिक स्वरूप जो 47 से 57 के बीच में है। ठीक है, तो 47 से 57 एक बार खोल लेते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप एकदम मस्त तरीके से है। ठीक है, तो इसमें देखें भारत का भौतिक स्वरूप कितना अच्छा है, ये ध्यान से देखिएगा। मरुस्थल के बारे में पढ़ चुके हैं, और देखिए समुद्रीय तटीय मैदान, तो तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। देख लो कितनी अच्छी चीज ये आपके सपोर्ट मटेरियल में दे रखी है। बच्चों उठाइए, पढ़िए, एंजॉय करिए पढ़ाई को। तो ये पढ़ चुके हैं, ये आज पढ़ेंगे, और प्राय द्वीप पठारिया पढ़ाया जाएगा। द्वीप समूह में अभी हिमालय के बारे में पढ़ाए तो पढ़ाए, लेकिन बाकी समझ लो किस प्रकार से हमारी चल रही है वर्कशीट, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है आपका। तो चलिए, देखना दाखना हो गया, डॉक्टर की जांच हो गई, अब चेकअप खत्म, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समुद्रीय तटीय मैदान, ठीक है, समुद्रीय तटीय मैदान की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। किसी को कम लग रही होगी तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, ऐसा नहीं ना कुछ अजीब सा लगा, अरे नहीं यार दोनों एक ही बात है, 6100 कहो या 6100 कहो, कई बार कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 6000 सुनने में ज्यादा लगता है और 61 सुनने में किसी को कम लगता है, बात की बात है, लेकिन किसी प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये किलोमीटर में पढ़ना, मीटर मत पढ़ लेना। 6100 किलोमीटर है यह मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। विशेषताओं के आधार पर इसे पूर्वी पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में विभाजित किया गया है। अगर मैं आपको भारत का दिखाऊं तो जो तट है आपके, आपका पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में आपका बांटा गया है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा हिस्सा दक्षिणी की तरफ आता है, लेकिन पूर्वी पश्चिमी तरफ में आता है, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर। ठीक है, याद है ना? नहीं याद है तो बार बार देख लेंगे भारत का मैप दोबारा। तो पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये याद कर लीजिए, एक नंबर में पेपर में आपके आ चुका है। कोरोमंडल भाग को और किस नाम से जाना जाता है, तो भारत के दक्षिणी तट के हिस्से को। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो दक्षिणी भाग का दूसरा नाम क्या है, कोरोमंडल। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं आपका। ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिणी में चिल्का झील है, और चिल्का झील वेरी इंपॉर्टेंट दक्षिण में। ठीक है, क्यों? जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील का नाम चिल्का झील, चुल्लू भर झील, यार चुल्का झील, चुल्लू चुल्लू कैसा झील का नाम रखा हुआ, कोई बात नहीं, चिल्ला चिल्ला के यार चिल्लरी झील। ठीक है, तो बस इस बार दो तीन में बड़ी से बड़ी मात्रा की याद हो जाएगा। ठीक है, खारे पानी का झील, ठीक है, चिल्का झील, कोई बात नहीं। इस पर इस तट की चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच है, समझ लो इसकी तट की चौड़ाई है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, समझ लो 80 से 100 किलोमीटर के बीच। इसके तीन मुख्य कारण हैं, मतलब जो ये तट इतना चौड़ा है इसके तीन मुख्य कारण बताए गए हैं, ये इतना कारण ऐसा क्यों है। ठीक है, तो पहला इसका रीजन है कब, सभी पठारी नदियां भूगर्भीय झुकाव के कारण पश्चिमी घाट पूर्वत से लेकर पूर्वी घाट तक जाती है।
ठीक है, पश्चिमी से लेके पूर्व जाती है। अगर पश्चिमी देखो तो पश्चिमी से लेके, ठीक है, ये पश्चिमी है, पूर्व तक इस तरफ जाती है। जो भारत का झुकाव थोड़ा सा ऐसा है ना इस तरफ, ज्यादातर देखा होगा जो ज्यादातर नदियां हैं वो आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं, ठीक है। तो ठीक, इसे वृहत क्षेत्र में मलबे का निक्षेप हुआ है। अब नदियां बहेंगी तो उधर थोड़ा बहुत मलबा भी तो आएगा ना, और यही निक्षेप डेल्टाई मैदान का निर्माण करती है। इसी से डेल्टाई का निर्माण होता है। और दूसरा रीजन क्या है इसका, पूर्वी घाट के पर्वत के अपरदन के कारण तटवर्तीय मैदान का वृहत आंतरिक फैला हुआ है। जो पूर्वी घाट है इसका जो है अपरदन हुआ, अपरदन मतलब कटाव, कटपटा के इधर बह जाते हैं, जिस वजह से इसका जो फैला होता है इस तट का वो बढ़ जाता है। तीसरा ग, भूगर्भीय प्रमाणों के अनुसार, जो भूगर्भिक जो भौगोलिक स्थिति को पढ़ते हैं, तमिलनाडु और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों का उत्थान हुआ है। ठीक है, उत्थान मतलब ये ऊपर आए हैं किसमें, समुद्र में से। इसी उत्थान प्रक्रिया के कारण चिल्का और पुलिकट झीलों का निर्माण हुआ है, जो मतलब कि समुद्र में डूबे हुए थे और वो अब ऊपर आ चुके हैं, तो इसी को उत्थान कहते हैं। और इसी उत्थान की वजह से चिल्का और पुलिकट झीलों का निर्माण हुआ है, और जिस वजह से कि तट की जो चौड़ाई है और बढ़ गई है। ठीक, आगे है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है और सकरा है। ठीक, और इस हिस्से को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है कोंकण, ये याद कर लेना, पेपर में आया हुआ है, कोंकण, मुंबई तथा गोवा, जो इतने दूर से है। ठीक है, देखो ये देख रहा हूँ, मुंबई है ना, मुंबई यहाँ यहीं पर, मुंबई तथा गोवा के बीच में, फिर वह इस वाले हिस्से को, फिर इस वाले हिस्से को, तीन हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, फिर दूसरा है कन्नड़ मैदान, ठीक है, और दक्षिणी भाग मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यह तीन हिस्सों में बांटा गया है। यह सर्वाधिक जो चौड़ा है गुजरात में नर्मदा और ताप्ती के मैदान भागों में है। जो ज्यादा चौड़ा है वो गुजरात के जो दो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में ज्यादा चौड़ा है। इसके उलट गोवा और कर्नाटक का तत्पर्वीय तटवर्ती मैदान अत्यंत संकरा है, और इसकी औसत चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर की है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी कम है, अगर ऊपर वाले से कंपेयर करोगे तो 80 से 100 किलोमीटर था, और ये आपका फिर 10 से 15 ही है। ब्लर तो नहीं हो रहा ना, एक बार बीच में देखना पड़ता भाई। ठीक है, देख ले तुम एक बार, ठीक है, ब्लर नहीं है। तो ज्यादातर जल प्रवाहों में मुहाने पर निक्षेप होता है। ठीक है, जल प्रवाह मुहाने पर निक्षेप, जैसे जो नदियों का प्रवाह होता है मुहाने से होता है, इसलिए तटों के जो किनारे पर नदमुख, लेगुन, समुद्री पुलीन तथा बालू रोधिका जैसे स्थल कृतियां मिलती हैं। ठीक है, तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है वो अब आया है, आपका पेपर में इसमें से बार बार आएगा। अगर आपको पेपर में दिखाऊं, पेपर भाई साहब कहां हो आप, ये रहा। ठीक है, तो इसमें अंतर करके तो आपको अंतर तो याद करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, कहां गया, ठीक है, ये रहा। भारत के पूर्वी, ठीक है, समुद्र तटीय मैदान की कोई तीन विशेषताएं, ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान की कोई तीन विशेषताएं, हो सकता है पश्चिमी तटीय मैदान की तीन विशेषताएं आ जाए, हो सकता है दोनों में अंतर आ जाए। ठीक है, तो आपको जो प्रश्नावली इसमें वर्कशीट में है वो अंतर ही है, लेकिन ये काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सीधे तीन नंबर का है, एक एक लिखेंगे और ये एक एक नंबर में जाएगा, और काफी ईजी है, तो ये समझना जरूरी है आपका। ठीक है, पूर्वीय तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर, तो पूर्वीय तटीय मैदान में डेल्टा है जबकि यहाँ ज्वार नदमुख होता है। ठीक है, तो इसे समझने के आप ये समझ लीजिए, अगर इसे आप भूल जाएंगे तो यहाँ तटीय मैदान डेल्टा है और यहाँ तटीय मैदान में डेल्टा नहीं है, क्योंकि जो यहाँ प्रवाह होता है वो आपका धीरे धीरे होता है, तो सॉरी तेज होता है इस तरफ, जिस वजह से आपका डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता। ये है, इसका अधिकांश भाग निक्षेप से बना हुआ है। ठीक है, जो नदी का निक्षेप होता है उससे कई बार नदियां निकलती है, जिस वजह से ये चौड़ा होता है, इस वजह से ये बना हुआ है। इसका अधिकांश भाग अपरदन से कट फट के बना हुआ है वहां से। यहाँ चिकनी मिट्टी के कारण चावल अधिक होता है, यहाँ रबड़, नारियल आदि अधिक पैदा होता है। पूर्वी तटीय में यहाँ शीतकालीन एवं ग्रीष्म दोनों मानसूनों में वर्षा होती है, जबकि यहाँ पे केवल ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती है। यहाँ अधिकतर पतन कृत्रिम होता है। पतन को अभी इस वाले को आप ये समझ लीजिए कि जो बंदरगाह होते हैं ना, उस चीज आप समझ सकते हैं। ठीक है, खत्म होना नहीं है यहाँ पतन का मतलब, वो पतन होता है आधा तो भी लगा हुआ इसमें। यहाँ अधिक पतन कृत्रिम होते हैं, जो आपका बंदरगाह है वो बनाए जाते हैं, यहाँ
अधिकतर पतन प्राकृतिक होते हैं, जहां पे जो जहाज वगैरह रुक सकते हैं आसानी से, नाव वगैरह, ठीक है। जन घनत्व अधिक होता है, जनसंख्या ले लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो उपजाऊ चीजें होती हैं, ठीक है, तो जनसंख्या एब्सोल्युटली ज्यादा हो जाएगी, और इसकी यहाँ पे भी होती है, लेकिन दोनों कंपेयर में यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या, यहाँ पे कम जनसंख्या। कम ढलान के कारण नदियों का प्रवाह धीमा होता है, यहाँ पर जो नदियों का प्रवाह है वो धीमा होता है, जबकि अधिक ढलान के कारण नदियों का प्रवाह यहाँ पे तेज होता है, ठीक। यह कम कटाफटा है, और जबकि यह अधिक कटाफटा होता है, और यहाँ नदियों का प्रवाह धीमा होता है, इस वजह से कम कटाफटा आप समझ सकते हैं, यहाँ नदियों का प्रवाह तेज है तो ज्यादा कटाफटा होता है आपका। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर पर जल्दी से आते हैं। तो पहला है आपका, भारतीय सीमा में आने वाले समुद्र तटीय मैदान के नाम बताइए। आपको समुद्र तटीय के नाम बताने हैं जो कि आपके भारतीय सीमा में आते हैं। तो सीधी सी बात है, ये आपको सबसे ऊपर ही लिखा गया था, इसे लिखने के लिए यहाँ पे साफ लिखेंगे, भारतीय सीमा में आने वाले समुद्री, यहाँ नहीं लिखा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समुद्री बोला है, तो समुद्र, ठीक है, समुद्र तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, दो ही हिस्से हैं आपके। और दूसरा है, पूर्वी तटीय मैदान पर अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पतन ज्यादा होता है। यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान अत्यधिक अवसाद के निक्षेप के कारण, जो उसमें अवसाद निकलते हैं, निक्षेप, जो निक्षेप पतन निकलने के कारण अधिकतर पतन कृत्रिम होते हैं, वहां पे कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं, खुद नहीं बनते। प्रश्न नंबर तीन, पश्चिमी तटीय मैदान पर नदियों का प्रवाह तेज क्यों है, ठीक है। तो भौगोलिक आधार पर पश्चिमी तटीय नदियां का अधिक ढलान के कारण नदियों का प्रवाह तेज होता है, ठीक। आपका अब आता है चौथा, पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटीय मैदानों में पांच प्रमुख अंतर बताएं। तो आप यहां से कोई सा भी प्रमुख पांच अंतर लिख सकते हैं, फिर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। पहला वाला, इसका अधिकांश भाग निक्षेप से बना है, जबकि इसका अधिकांश भाग अपरदन से बना हुआ है। चावल अधिक होते हैं, रबड़ नारियल यहाँ अधिक होते हैं, यहाँ अधिकतर पतन कृत्रिम है, अधिकतर पतन प्राकृतिक होते हैं। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है, जनसंख्या घनत्व कम है, यह कम कटाफटा है या अधिक कटाफटा है। यहाँ पे नदियों का बहाव धीरे धीरे है, यहाँ पे नदियों का बहाव काफी तेज है, इस प्रकार से भी बना के लिख सकते हैं, एक दो तीन चार पांच, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये आपके पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है, तो ये आप काफी इंपोर्टेंट बन जाता है, इसे ध्यान से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका नाइन्थ क्लास का एस ए वन का, ठीक है, 2019 में नौवे महीने में हुआ पेपर है ये आपका। तो भारत के पूर्वी समुद्र तटीय मैदान में कोई तीन विशेषताएं लिखिए, ठीक है, ये आपका ध्यान से देखेंगे, तीन नंबर का है, और दोनों में अंतर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें एक और अंतर था आपका, ये वाला दिखाना था, ठीक है। अब देखो ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे मानचित्र में आपको दिखाना है, भारत में दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए उचित स्थान को नाम देखिए, ठीक है। बाकी तो आप साथ के साथ पढ़ रहे हो, बताते चल रहा हूँ, लेकिन इस वाले आपकी बार क्या है, कोंकण तट। अब कोंकण तट कहाँ पे है, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका आया था कोंकण तट, देखो ये रहा कोंकण, तो मुंबई तथा गोवा वाले तट को आप कलरफुल कर देना है। अगर आपको भारत का मैप दिखाऊं, अगर ये बस दिखाने तट के दिखाने, तो आपको बस मुंबई से गोवा तक को आपको कलर कर दोगे, ये आपको कोंकण तट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका पेपर में आएगा, पेपर बार बार इस वजह से दिखाता हूँ, जो आप पढ़ रहे हैं फालतू नहीं है, सब आपका लिंक है पेपर से। और पांचवा है आपका, भारत के राजनीति मानचित्र में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान को दर्शाइए, ठीक है। तो पूर्वी तटीय मैदान को दर्शाने के लिए आप यहाँ से चीज ले लीजिएगा, यहाँ से आपका पश्चिमी हो जाएगा, ठीक है, ये पूर्वी हो जाएगा आपका, यहाँ थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देना, क्यों, क्योंकि ये आपका दक्षिण हिस्से वाले हिस्से में चला जाता है, ठीक है। तो मैं एक ये फोटो भी लगा देता हूँ, जिससे आप आसानी होगी, आप इसे हिंदी में लिख लीजिएगा, यहाँ से दिक्कत आसानी से समझ सकते हैं। एक मानचित्र आप दुकान से खरीदिएगा, ठीक है, उसमें आपको निशान लगाना है इस प्रकार से, और हिंदी में लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, भारत के राजनीति मानचित्र में पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान, बस यही दिखाना है। तो उम्मीद है हमारी सीबीएसई क्लास इस वर्कशीट को समझने में काफी पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारी सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।